हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो अपेंडिसिप का भर्ती आया था डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट डिफरेंट रीजन के साथ, उसकी तरफ से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है। क्या नोटिफिकेशन आया है, किसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है, वो आप लोग तो थंबनेल में देख ही लिए होंगे। जी हाँ, आपका जो यहाँ पे अपेंडिसिप रिलीज किया गया था वो अपेंडिसिप को कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, कौन सा अपेंडिसिप को कैंसिल कर दिया गया, क्या ऑल ओवर स्टेट के अपेंडिसिप को कैंसिल कर दिया गया या कोई पार्टिकुलर स्टेट का अपेंडिसिप को कैंसिल किया गया या फिर किसी अन्य रीजन का अपेंडिसिप को कैंसिल कर दिया गया, जानेंगे पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में। तो सीधे आपको हम इसके ऑफिशियल साइट पर लेके आ गए हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे ही आप इसके कैरियर ऑप्शन पर विजिट करोगे तो कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रोलिंग एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अपेंडिसिप। जैसा कि आप सभी जानते हो कि टोटल अभी 7 रीजन से आपका अपेंडिसिप का जो डीवी के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट वो पब्लिक कर दिया गया है, और अभी बात करें तो 5 रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट जो है वो आना बाकी था, जो इस मंथ के लास्ट तक सारे डिवीजन का, सारे रीजन, सारे स्टेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड है कि मेरिट लिस्ट जो है रिलीज कर दिया जाएगा PGCIL की तरफ से। अब जैसे जब स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखने को आएगा कि आपका नॉर्दर्न रीजन सेकेंड, जो आपका जम्मू रीजन पड़ता है, जिसमें अगर बात करें कि टोटल कितने राज्यों को कवर किया जाता है तो इसमें देखिए आपका जम्मू कश्मीर आ गया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो टोटल इतने सारे राज्यों को जो है वो नॉर्दर्न रीजन सेकेंड कवर करता है, और इसमें आपका अभी तक इसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया था, उससे पहले ही आपको एक कॉरेजेंडम करके यहाँ पे नोटिस पब्लिक कर दिया गया है, और उसमें आपको ये बताया गया है कि इसका जो अपेंडिसिप है उसे रद्द कर गया है। क्या, क्यों रद्द किया गया, आखिर क्या ऐसा रीजन पड़ा कि आपको नॉर्दर्न रीजन सेकेंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने से पहले अपेंडिसिप वैकेंसी को ही कैंसिल करना पड़ा। हम आपको इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया उसके ऊपर लेके चलते हैं और वहां पे सारा डिटेल देखेंगे कि किन किन कारणों की वजह से और इसका जो है नेक्स्ट का जो प्रोसेस है, क्या वैकेंसी नया आएगा अपेंडिसिप या नहीं आएगा, जो भी प्रोसेस है हम इसका जो नोटिफिकेशन उसमें देखेंगे। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितने भी अपडेट होगा, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, नया एडवर्टाइजमेंट कोई आता है, चाहे कि तमाम तरह से जितने भी भारत से अपेंडिसिप रिलीज़ की जाती है उसका कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट देते हैं, उसका आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम, यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम सेकेंड एंगेजमेंट ऑफ अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 कोरेजेंडम। अगर यहां पे बात करें कि क्या इसमें लिखा गया है तो इट इज नोटिफाइड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन दैट द एंगेजमेंट प्रोसेस ऑफ अपेंडिसिप एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर अपेंडिसिप /2022/23/ नॉर्दर्न रीजन सेकेंड डेटेड बात करें तो 5/7/2022 के डेट में इसका नोटिफिकेशन आया था फॉर्म फिलअप को लेकर। फॉर लद्दाख रीजन हैज़ बिन कैंसल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यहाँ पे कौन सा रीजन का कैंसिल किया गया, तो लद्दाख रीजन का आपका यहाँ पे, तो लद्दाख रीजन में जितने भी स्टेट आते हैं, बात करें आपका हरियाणा का, उसके बाद आपका पंजाब आता है, चंडीगढ़ आता है, तो तमाम तरह के जितने भी स्टेट को वो कवर करता है उन सारा का जो अपेंडिसिप है उनसे कैंसिल कर दिया गया है। क्या रीजन है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन करके सिर्फ दिया गया, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है। बात करें नेक्स्ट आपका, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर अपेंडिसिप ट्रेनिंग इन लद्दाख विल बी प्रोवाइडेड विथ एन ऑप्शन टू री अप्लाई इन देयर कैंडिडेट लॉग इन फॉर अपेंडिस ट्रेनिंग इन अदर स्टेट अंडर द नॉर्दर्न रीजन सेकेंड अंटिल 24/10/2022। देखिए जो लोग भी अप्लाई किए थे नॉर्दर्न रीजन आपका सेकेंड से, उनको फिर से एक बार यहां पे मौका रीअप्लाई का दिया जाएगा, जो आपका 24/10/2022 के डेट के आसपास आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर यहां पे बात करें कि द प्रोसीड्योर फॉर द सेलेक्टिंग ट्रेनिंग स्लॉट इन द अदर स्टेट ऑफ नॉर्दर्न रीजन सेकेंड विल बी सेंड टू देयर रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली चेक देयर ईमेल आईडीज एंड फॉलो द प्रोसीड्योर फॉर सेलेक्टिंग द अवेलेबल
ट्रेनिंग स्लॉट आपको यहाँ पे किसी और रीजन में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो आपका ट्रांसफ़र का जो कन्फर्मेशन है वो आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी के माध्यम से आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो आपके ईमेल आईडी पे आएगा, जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम यहाँ पे पीजीसीआईएल में डाला था। तो ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट है पीजीसीआईएल की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। क्या हो सके, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बाद में हो सके किसी और रीजन का कैंसिल हो जाए, तो देखिए ऐसा भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सके कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन का कैंसिल करके और उन्हें किसी और रीजन में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लियरली यहाँ पर बोला गया है कि द प्रोसीड्योर फॉर सेलेक्टिंग ट्रेनिंग स्लॉट इन अदर स्टेट ऑफ नॉर्दर्न रीजन सेकेंड will be sent to their respective email ID. आपका जो training slot है वो किसी other region में आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसका आपको डिटेल है आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो यही डिटेल था जिसको आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। और बात करते हैं कि जो चार रीजन बचे हैं, क्योंकि पांच में से एक तो आपका खत्म हो गया, चार बचा, चार का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट वो कब तक आ सकता है, तो इस मंथ के लास्ट तक आप ये एक्सपेक्टेड मान सकते हो कि चारों रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिएगा। अगर अभी तक आप रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो दो आपका जोन से फॉर्म अप्लाई है, पहला आपका ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, दूसरा आपका साउथर्न रेलवे की तरफ से। दोनों का अगर वैकेंसी को मिला के बात करें तो 6000 से ज़्यादा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है इसका पूरा डिटेल का आपको जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख के पूरा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगली मेरिट अगली ज्वाइन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।